हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज शाम की ये 6 बजे की क्लास है जिसमें जीएस प्लस से संबंधित हम सारे वीडियोज जो कि बहुत डीपली होते हैं, अलग अलग विषयवार, इनको भी हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में परिचर्चा मैं आप सभी से कर रहा हूं। तो जितने भी लोग इस वीडियो से अभी हमारे कोर्स से जुड़ चुके हैं वो ये सारे लोग, और जो नहीं जुड़े हैं वह सारे लोग इस 10+ जो कोर्स है आपका, इसमें सारे लोग रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि जो हम आपको पीडीएफ दैनिक रूप से उपलब्ध करा रहे, मतलब जो क्लासेज हम आपको पढ़ा रहे, इसकी पीडीएफ भी हम आपको दैनिक रूप से उपलब्ध करवाते रहे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए ताकि आपकी जो पढ़ने की लय है वो बरकरार रहे। तो 10+ कोर्सेस के अंतर्गत सुबह एक आपको 10 बजे एक जो है वीडियो उपलब्ध होती है, एक 2 PM पर उपलब्ध होती है, एक 6 PM पर होती है, और एक आपकी रात के 10 PM पर होती है। इन चारों वीडियो, चाहे आप आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश SI की देने जा रहे, चाहे आप लेखपाल के लिए, चाहे आप बैठने जा रहे हो UPPCS में, क्योंकि उस सुबह आपकी रीजनिंग या मैथ होती है जो CSAT में पूछी जाती है, इसलिए सुबह की भी पढ़िए, दोपहर की भी पढ़िए, शाम की भी और रात के भी 4 क्लासेस जो दी जा रही इनको पढ़िए, आपका सब कुछ यहां कवर हो जाएगा। तो जो लोग वीडियोस को देख रहे, जिनको हर एक वीडियो फ्री है, हर एक क्विज फ्री है, वो लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस कोर्स से हमारे जुड़ जाएं, और ऐप के थ्रू जाकर के सारे लोग जो है जहां पर आपको 10+ कोर्स दिखाई देता है उस कोर्स को 3 महीने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक क्लास की पीडीएफ यथा समय मिलती रहे। और यह पीडीएफ ऐसी होती है कि बाद में पूरा कंबाइन हो के जाएगा, तो आप प्रिंट करवा के हमेशा के लिए रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के क्रम में मैं फिर से शुरू कर रहा हूं जहां पर मैंने उस दिन आपको सारी चीजें बता के छोड़ी थी। उससे आगे जो लोग अन्य कोर्सेस से हमारे जुड़ने चाह रहे, जो लोग PCS प्रीलिम के जो है प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाह रहे, वो भी इसी नंबर पर, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहा, वो इनमें से किसी नंबर पर जानकारी ले सकता है। हमेशा वो कॉल करके टीम से किसी भी सदस्य से बात कर सकता है, उसकी सारी जो है समस्याओं को टीम यहां पर सॉल्व करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें बात करना है जिन सारे मुद्दों पर हम लोग जो है चर्चा उस दिन किए थे, तो उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, लगभग 6 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम लगभग 7वें लेक्चर पर हैं। आज हमें बात करना है भारतीय संविधान का निर्माण या संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हमें पढ़ना है, या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में हमें बात करना है, संविधान सभा के निर्माण के बारे में हमें परिचर्चा करनी है। तो संविधान सभा के निर्माण जब हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो दोनों जगहों पर चीजें आपको अलग मिलती हैं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, या संविधान का निर्माण आप सभी जानते हैं एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थ्रू हुआ था, एक संविधान सभा के थ्रू हुआ था। यह संविधान सभा कैसे बनी थी, क्या भारत ने पहली बार इस संविधान सभा को बना दिया था? नहीं, विश्व में इस संविधान सभा के विचार को देने वाले बहुत अलग अलग व्यक्ति रहे, वहां से प्रभावित होकर जब भारत अपनी गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति की ओर जा रहा था, तो इसने भी सोचा कि विश्व के बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश और गणतांत्रिक देशों ने जिस पद्धति को अपनाया अपने यहां गणतंत्र बनने के लिए, हम उन्हीं पद्धतियों को अपनाएंगे भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए। तो इन्हीं सब पर संपूर्ण चर्चा करनी है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, क्या चीजें होती है, संविधान सभा में सीटें कैसे जो है आपकी रहती हैं, संविधान सभा की मांग को किसने स्वीकार किया जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, तो ब्रिटिश कब माने, कौन कौन से आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव क्या रहा, बेबल योजना क्या रही, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत विधिवत परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत कंसंट्रेट हो जाइए और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें एक एक पॉइंट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, उस हिसाब से पढ़िए। ये पूरी नोट्स है जो आपको वहां पर मिलती है 499 वाले में, ठीक है, इसमें वो लैंग्वेज मैंने लिखा है, पूरी की पूरी आपकी नोट्स है, इस नोट्स में वो आपको भाषा मिलेगी जिससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं,
ठीक है, जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने उन सभी को निचोड़कर और आपके इस नोट्स के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो ये नोट्स पढ़ना, चाहे जिस आप परीक्षा में बैठने जा रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर आप यूपी पीएससी की परीक्षा में बैठने जा रहे हो जीएस से संबंधित, या आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा या यूपीएसआई या फिर मध्य प्रदेश एसआई या उत्तराखंड की परीक्षा, मतलब किसी भी स्टेट में जाओगे जहां भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, उस हर एक स्टेट में मेरे इस नोट्स से प्रश्न मिलने हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना पढ़ाऊं उतना देखिए और बाद में यह नोट्स लीजिए, सारे लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी जो है सारे नोट्स आपके आंखों से देखकर गुजर ना जाए। ठीक है, मौका सभी के पास है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला आपसे कि संविधान सभा का निर्माण होता है भारत में, कि भारत भी अपने संविधान का निर्माण करेगा। क्या भारत ही एक ऐसा मुल्क रहा जिसने आजादी के समय संविधान सभा का निर्माण किया? नहीं, हम तो विश्व में देखकर और फिर उनसे सीखकर कुछ चीजों को अपना रहे। सर्वप्रथम अगर विश्व में देखा जाए तो वो फ्रांस वाद देश रहा या सर हेनरी मेन या सर हेनरी मेनन, दोनों चीजें लिखी रहती हैं, संविधान सभा के विचार को विश्व में देने वाला यह व्यक्ति था। ठीक है, ये संविधान सभा का विचार जो विश्व में किसी ने दिया उसका नाम है सर हेनरी मेनन। ठीक है, और अगर और बातें करें तो आपको मिलता है कि समतावादियों ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अन्य किताबों में भी आपको मिलेगा, वहां मिलता है कि यह समतावादियों का सिद्धांत रहा जो समानता पर जोर देते थे। दूसरी बात, इसको व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका ने विश्व में और फ्रांस ने अपनाया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से अपने देश के संविधान का निर्माण की बात आई तो वहां फ्रांस और अमेरिका ने सर्वप्रथम इसको अपनाया। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो वहां आपका जवाब होगा सर हेनरी मेनन। आगे बढ़ते हैं, भारत में जब आप बात कर लें, विश्व तो देख लिया भैया भारत की क्या स्थिति है, तो भारत में अगर देखें संविधान की मांग, सारे लोग कह रहे थे हमारा संविधान हो, हम उस पर सरकार चलाएंगे। संविधान बना है क्या, संविधान हमारा है, जानते तो होंगे ही आप। देखो काफी दिनों से यह मांग चल रही थी भारत में, फिर हुआ क्या, बात थी 1895 की, एक विधेयक भारत में आया था जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। इस स्वराज विधेयक में इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी कि भैया संविधान हमारा होता क्या है, इसमें संविधान की झलक आपको देखने को मिलेगी 1895 में जो स्वराज विधेयक आया था। बात है 1922 की, 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय जो संविधान होगा, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी जब हम अपने देश का संविधान बना रहे तो हमारी इच्छा के अनुसार हमारा संविधान होगा, किसी देश का हम पर वर्चस्व नहीं होगा। ऐसा तो इनके कहने का आशय यह था कि हम भारतीय वर्तमान समय में ब्रिटिश के गुलाम हैं, लेकिन यह गुलामी जब हम आजादी की ओर बढ़ेंगे तो वहां हमारे मुल्क के किसी भी जो है छवि के तौर पर यह दिखाई नहीं देगी। आगे देख लो अगली बात क्या होती है, बात थी 1934 की, इस पार्टी के बारे में मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं, स्वराज पार्टी की बात है, रांची में इसका गठन हुआ था। इसने भी संविधान सभा के मांग की थी, इसने 1934 में, किसने, स्वराज पार्टी ने, इसका गठन रांची में आपका हुआ था। इससे भी प्रश्न पूछा है, जहां से प्रश्न बन सकता है उसकी हर एक कुंजी नोट्स में लिखी है, समझ गए। अगले ओर बढ़ते हैं, अगले स्टेप की ओर, अगर हम भारत में और डीपली आप पढ़ोगे तो भारत में आप सबसे पहले जाओगे किधर, अपने यहां लेफ्ट विंग के जो एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम है एम एन राय, बात थी 1935 की, 1935 में, ठीक है, सबसे पहले वामपंथी दल के प्रणेता जिनका नाम था एम एन राय ने भारत में पहली बार संविधान के गठन का विचार रखा था इन्होंने। तो अगर आपसे पूछ ले भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले किसने संविधान सभा के गठन का विचार रखा, तो जवाब भैया देना वहां क्या, एम एन राय। अगली चीज है कांग्रेस के द्वारा अगर देखें, क्योंकि कांग्रेस ही भारत था, समझ गए ना, अगर कांग्रेस जब कुछ भी मांग चल रही तो कांग्रेस का होना उस समय लाजमी है। तो कांग्रेस के द्वारा अगर ऑफिशियल रूप से देखें, आधिकारिक रूप से देखें, तो संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में की गई थी, 1934 में,
1935 में। यह जो है मांग 1934 की बात है, 1934 की बात है एम एन रॉय ने जब मांग की थी। 1935 में कांग्रेस ने, कांग्रेस के ऑफिशियल घोषणा पत्र में यह बात आई कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के गठन द्वारा हो। अगली बात क्या है, 1938 की बात है, 1938 की बात है। 1938 में कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई सभा के द्वारा किया जाएगा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला कि हमारे यहां सबसे पहले एक सार्वभौमिक मत जो है मताधिकार होगा, यानी उसमें भी क्या चीजें, हम वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वो लोग जिन व्यक्तियों को चुनेंगे उनसे एक सभा का निर्माण करेंगे और उस सभा में हर एक व्यक्ति के योगदान से हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे। समझ गए, बहुत बढ़िया। 1937 की बात है, अपने यहां विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय फरवरी 1937 में, और यह जो हुआ यह 11 प्रांतों में हुआ था। 1937 की बात है, 11 प्रांतों में सरकार जो है चुनाव हुआ, और इसमें क्या हुआ, प्रांतीय विधानमंडल में जब 11 जो है प्रांतों की प्रांतीय विधानमंडल में यह चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस फिर से आई भैया और 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। 2 प्रांत ऐसे थे जहां कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, तो कुल मिला के 8 आपके ऐसे प्रांत बने या 8 मंडल ऐसे बने जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी 1937 के चुनावों में। ये पूछा है 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, तो 6 में पूर्ण बहुमत थी, 2 में गठबंधन कांग्रेस ने किया था। समझ गए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। वह प्रांत कौन कौन से, मान लो कभी पूछ ले आपसे तो उन प्रांतों को जान लो। उन प्रांतों में शामिल था आपका मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत। कौन कौन से शामिल थे इन चीजों को देख लीजिए। पहला था आपका मद्रास, दूसरा था बिहार, तीसरा था उड़ीसा, चौथा था मध्य प्रांत, पांचवा था संयुक्त प्रांत और छठा था मुंबई। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार 1937 के विधानसभा चुनाव में बनी थी। अब क्या हुआ, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 228 सीटें उस समय थी, इनमें 134 स्थानों पर कांग्रेस विजयी हुई और प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब कांग्रेस ने जब सरकार बना ली तो इसी में सर्वप्रथम कौन बने थे मुख्यमंत्री, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और आज भी आपसे सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब आप जवाब देते हो ठीक है गोविंद वल्लभ पंत के, तो 1937 में ये बने थे। समझ गए ना, फिर बने थे, बहुत लंबा कार्यकाल रहा। अगली चीज क्या हुई, जब कांग्रेस ने 37 के चुनाव में अपना सरकार बना के शासन प्रारंभ किया तो बात आती है दिसंबर 22 दिसंबर 1939 की। कांग्रेस ने क्या किया, 28 माह का शासन किया और इसके बाद हर एक मंडलों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों आया था आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने आप को क्या समझ रहे थे कि हम हो गए हैं नेता और अब अंग्रेज जो कुछ करेंगे हमारी जो है सहमति के बिना नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे कारनामे किए कि जिनमें कांग्रेस के नेताओं से सहमत ही नहीं ली, इसलिए कांग्रेस के नेता सब जो है अब भाई बेइज्जती फील हो गई, ईगो में आ गए और इन्होंने हर जगह से जो है कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अब जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन को मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया। यह सवाल पूछता है, ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया था कि कांग्रेस ने आज इस्तीफा दिया तो हमें मुक्ति मिल गई। अब बात आती है अगस्त प्रस्ताव की, 8 अगस्त 1940 की बात है, इस दिन अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। इसके द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या बात हुई कि अंग्रेजों ने क्या माना, संविधान सभा का विचार मान लिया कि भारत में चलो ठीक है संविधान सभा बनेगी, लेकिन क्या कहा, कहा जब युद्ध समाप्त होगा उसके उपरांत भैया हम इसको लागू कर पाएंगे। अब समझ पाए कि इस्तीफा क्यों दिया था कांग्रेस ने, चल रहा था विश्व युद्ध, अंग्रेजों ने भारत के इन नेताओं से पूछा नहीं कि भारतीय सेना को हम लड़ने के लिए भेजें, बिना इनके पूछे सेना को उतार दिया। अब सेना उतर गई तो इन लोगों को बड़ी बेइज्जती फील हुई कि हमसे पूछा ही नहीं, इस वजह से कांग्रेस ने अपने 8 मंडलों से इस्तीफा दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात क्या आई, जो अगस्त प्रस्ताव आया
इसके विरोध में कांग्रेस ने क्या शुरू किया, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक है, कांग्रेस ने इसके विरोध में वो इसके प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया और वहीं से बात बनती है 17 अक्टूबर 1940 की। किस दिन की? 17 अक्टूबर 1940 की। पवनार आश्रम यानी महाराष्ट्र से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को कांग्रेस ने प्रारंभ किया। यह पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई, तो वो प्रारंभ होता है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। समझ गए, बात कब की थी? 17 अक्टूबर 1940 की बात थी। अगली चीज आती है, यह जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह रहा, इसे आप लोग कुछ और नाम से जानते हो, और वो नाम क्या है? इसको दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अगली चीज बात आती है, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन, जो मार्च 1940 की घटना है, आपको याद होगा, इसमें दो अलग राष्ट्रों की मांग की थी मुस्लिम लीग ने। सबसे पहले पूछता है, दो अलग अलग राष्ट्रों की मांग मुस्लिम लीग ने कब की? वो बात थी मार्च के में हुए अधिवेशन, जो कि आपका हुआ था लाहौर में। यहां पर मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम दो अलग अलग राष्ट्रों की मांग कर रखी। अब बात आती है क्रिप्स मिशन के बारे में जानने की। क्रिप्स मिशन क्या रहा, क्यों आया भारत में, आने के पीछे इसका लॉजिक क्या था, समझिए और जानिए अच्छे से। बात थी 23 मार्च 1942 की। विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक मंडल भारत भेजा, एक कमीशन भारत भेजा, और इसे क्रिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो कमीशन आया, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और गांधी जी ने कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब जिसकी वैधता समाप्त हो जाए, ऐसा चेक ये है, मतलब अंग्रेजों के पांव भारत से उखड़ रहे हैं। इस पर गांधी जी ने चुटकी ली थी कि अंग्रेज अब चला नहीं सकते अपनी सरकार, इसलिए मान मुरव्वत में जुटे हुए हैं कि भारत वाले किसी तरीके से मान जाए। और उस समय चूंकि ब्रिटेन आप जानते हैं बड़ी बेहद स्थिति से गुजर रहा था, और भारत वाले जितनी चीजें इधर स्ट्रांग अपनी कर रहे थे कि अब हमें आजादी ले ही लेनी है। अगली बात क्या थी, 14 जुलाई की बात है 1942 की। इस दिन वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। यह पूछता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ हुआ? बात है वर्धा से। ठीक है, अब गांधी जी ने यह तो बताया ही, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, उसी में थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो एक नेता इतना बोले तो दूसरा का है कम रहे भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्रिप्स मिशन को कि यह पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक है। ठीक है, कि एक बैंक जो खुद जो है बर्बाद हो चुका है, लूट चुका है, गिरने के हालात में है, यह उसका भी पोस्ट डेटेड चेक है। तो आप जानते हैं नेताओं को अच्छी तरीके से, मुझे कहने की बात नहीं है। तो 14 जुलाई 1942 की बात है, वर्धा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो है पारित किया। आगे बढ़ लो भैया, अगली चीज क्या है, अगली बात यह पूछता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है ये किस दिन पारित हुआ, किस दिन से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को ही, और इसी को बोला जाता है अगस्त क्रांति। अभी मैं सारी चीजें आपको भूमिका पढ़ा रहा हूं, इतिहास से इसीलिए जोड़ रहा हूं कि पूरा दिमाग कंसंट्रेट हो जाए, उसके बाद हम लोग अच्छे से, क्योंकि यहां से प्रश्न बने हैं और प्रश्न हमेशा बनेंगे। ठीक है, अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? 9 अगस्त 1942 को जिसकी शुरुआत हुई थी। अब इसी के बीच में बेबल योजना आपकी आ जाती है, बेबल यानी लॉर्ड बेबल। हुआ क्या था, अक्टूबर 1943 की बात है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल भारत का वायसराय बना। ठीक है, और यह वायसराय के साथ साथ गवर्नर जनरल भी चीजें रही इसकी, किसकी? लॉर्ड बेबल की। 4 जून 1945 को इसने एक योजना प्रस्तुत की जिसे बेबल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बेबल योजना में क्या था, इस बेबल योजना में जितनी बातें कही गई इन्हीं पर चर्चा के लिए, मंथन के लिए एक समझौता हुआ था। उस समझौते पर आप क्या नाम जानते हैं? शिमला समझौता हुआ था, जो 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक लगातार आपका चलता रहा। ठीक है, लेकिन अंत में क्या हुआ, विफल हो गया शिमला समझौता। किसके प्रस्ताव पर? यह बेबल योजना के प्रस्ताव पर शिमला समझौता हुआ था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक मिशन फेल हुआ तो दूसरा मिशन अपने यहां आया, जिसको आप लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से। कैबिनेट मिशन क्यों आया, किसने भेजा, इसके बारे में सवाल पूछता है। तो भैया लो यहां से जानकारी सारी।
बात थी 1945 की। 1945 में ब्रिटेन में हो गया भैया चुनाव, और जब चुनाव हुआ तो वहां पर सरकार गई पलट, सरकार पलटी तो प्रधानमंत्री बन गया आपका क्लीमेट एडली। जब क्लीमेट एडली प्रधानमंत्री बना तो भारत के प्रति इसका रवैया थोड़ा नरम था। अब क्या बात आई, इसने 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, इसमें 3 सदस्य थे, त्रिस्तरीय इसमें सदस्य व्यवस्था थी, यानी इनमें सदस्यों की संख्या आपकी 3 थी। 3 सदस्य में पहले का नाम अगर देखो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे इंग्लैंड के। दूसरी बात देखें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे। और तीसरा अगर देखें एबी अलेक्जेंडर, जो उस समय ब्रिटेन के जो है नौसेना मंत्री थे। तीनों लोग भारत आए विजिट के लिए। अब इन्होंने क्या किया, भारत में हर एक नेता के, हर एक पार्टी नेता से मिले, उनसे बात किया, और बात करने के बाद बात थी कब की, 16 मई 1946 की, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन के पीएम को सौंप दी कि भारत में परिचर्चा के बाद ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं। जब सब कुछ हुआ, अब बात आती है भारतीय संविधान सभा के निर्माण की। अब हम इसको पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण आखिर कैसे कैसे होता है, समझिए बहुत अच्छे से। कैबिनेट मिशन जो आया था, इसने अपनी संस्तुतियां दी थी, रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में क्या किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और संविधान सभा का गठन जब इसने संस्तुति दे दी, रिकमेंडेशन दे दी, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। आपसे पूछता है भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया, वहां जवाब होगा आपका कैबिनेट मिशन, मत भूलना, यह पूछा है कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 की बात है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको बहुत ढंग से समझिएगा। अगली बात है, जब यह शुरू हो गई बातें, तो मुस्लिम लीग चूंकि 1940 में जिसने मांग कर लिया कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, अब उसने क्या किया, बात थी 16 अगस्त की, 16 अगस्त 1946 की बात है। उस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तौर पर मनाया। क्यों मनाया, क्योंकि सरकार बनाने के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए सभी का क्या था, बुलावा था। अब इसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, बात है 2 सितंबर 1946 को, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसको आप बोलते हो इंटरिम गवर्नमेंट, किस दिन हुआ था, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग इसमें भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक अलग राष्ट्र चाहिए था। अब बात है 2 सितंबर 1946 को जो गठित हुआ अंतरिम आपकी सरकार, इंटरिम जो गवर्नमेंट आपकी बनी भैया, उसमें कौन मंत्री, किसका नाम, कौन सा विभाग मिला, इस चीज को भी जान लेते हैं, क्योंकि सवाल हमेशा पूछता है और पूछेगा, ठीक है। तो इधर अगर देखा जाए उपसभापति कौन बना, जो अपना जो है सभापति, एक मुख्य होता है, एक उपसभापति होता है। विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंध के संबंध में मंत्री कौन बना, ये सारे विभाग किसको मिले, तो ये सभी विभाग मिलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो विदेश मंत्री सबसे पहले कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। अगली बात अगर देखें, इसके बाद दूसरा जो आता है, गृह सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में अगर देखें कि यह मंत्री आपका कौन बना था, तो ध्यान दीजिए यह मंत्री आपके बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से, गृह विभाग जो आपका रहा, गृह सूचना रहा, यह मंत्री आपके कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि एवं खाद्य अगर मंत्रालय देखा जाए कि कृषि एवं खाद्य मंत्रालय किसको दिया गया, यह मंत्रालय सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कला एवं स्वास्थ्य मंत्रालय जब देखेंगे, यह सफाल अहमद को दिया गया, सफाल अहमद खान। वाणिज्य अगर मंत्रालय देखें तो सीएच भाभा को वाणिज्य सौंपा गया। अगर रक्षा मंत्रालय देखें, पूछता है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वित्त मंत्री भी पूछता है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री अगर देखा जाए, तो उस समय बनाया गया था सी राजगोपालाचारी को। तो इतने मंत्रालय से संबंधित हमने सारी चीजें देख ली। एक अंत में आपका बसता है, वह है आपका श्रम मंत्रालय।
श्रम जो मंत्रालय था ये पहली बार जगजीवन राम को सौंपा गया था। रेलवे, संचार, डाक एवं वायु परिवहन जो मंत्रालय था ये आशफ अली को सौंपा गया था। कारखाना, खान एवं विद्युत जो मंत्रालय था यह शरद चंद्र बोस को सौंपा गया था। तो इतने मंत्री और इतने मंत्रालय के बारे में हमने बात कर ली, क्योंकि यहां से सवाल पूछता है, सीधा सीधा पूछता है कि अंतरिम जो सरकार बनी 1946 में, उसमें रेल मंत्री कौन बना, वित्त मंत्री कौन बना, जो है गृह मंत्री कौन बना, इसलिए उसको जानना जरूरी है। अब मुस्लिम लीग ने एक बार मना कर दिया, लेकिन बात थी 26 अक्टूबर 1946 की। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई। अब मुस्लिम लीग जब सरकार में शामिल होगी तो भैया उसके उनके लोगों को भी तो पद दिया जाता है। जब कोई पार्टी शामिल होती है सरकार बनाने में, समर्थन करती है, तो उसके भी पार्ट जो है सदस्यों को क्या दिया जाता है, मंत्री पद ऑफर होता है। तो यह बात तब भी थी। अब क्या हुआ, जब अंतरिम सरकार का फिर से पुनर्गठन किया गया और सरकार जो है अंतरिम जब जो है कैबिनेट थी इसका पुनर्गठन हुआ 26 अक्टूबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को भी मंत्री पद दिया गया। अब हम देख लेते हैं जो पुनर्गठित आपकी बनी कौन सी कैबिनेट, उसके बारे में जान लेते हैं। जो पुनर्गठित अंतरिम कैबिनेट बनी इसमें कौन मंत्री कैसे बना, ध्यान दीजिए, इसका जो गठन हुआ वह 26 अक्टूबर 1946 को हुआ, ठीक है। चलो, इधर मंत्रालय, इधर संबद्ध व्यक्ति है, जो सभापति एवं विदेश मंत्रालय रहे इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने रह गए। लेकिन इनके अलावा अगर देखें, ठीक है, कृषि एवं खाद्य मंत्री देखें तो आपके राजेंद्र बाबू ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाणिज्य मंत्रालय यह मिल गया अब इब्राहिम खान को, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इनमें परिवर्तन नहीं हुआ, बलदेव सिंह ही आपके बने रह गए। जब हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय की तो वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास ही रह गया। और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय अगर देखें तो सी राजगोपालाचारी के पास रह गया। पूछता है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। उसके बाद गृह सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग का मामला देखें, यह सरदार पटेल के हाथ में रह गया। अब बात करते हैं श्रम मंत्रालय की, तो श्रम मंत्रालय आपका जगजीवन राम के हाथ में था, इस चीज को समझिए अच्छे से। उसके बाद हम बढ़ते हैं अंतिम चीजों में, और अंतिम आपके मंत्रालय में अगर देखा जाए तो एक आपका बसता है रेलवे, ठीक है। रेलवे के साथ साथ इसमें जुड़ा था डाक एवं वायु परिवहन, कारखाना, खान एवं विद्युत, यह मंत्रालय दिया गया अब्दुल खान इस्तार को, ठीक है। तो इस सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हमारा जो अगला विषय होगा, अगला टॉपिक होगा, उसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा का चुनाव। अगला जो हमारा पॉइंट होगा उसमें संविधान सभा के चुनाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे कहां से कैसे चुनाव हुआ, ठीक है। चुनाव में जो व्यक्ति आए उनका निर्वाचन कैसे कैसे होता है, इन तमाम चीजों को पढ़ना है। डिवाइडेशन भी अभी होना है भारत का, भारत के विभाजन के बाद कितनी सीटें पाकिस्तान को जाती हैं, संविधान सभा जो आपकी बनती है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, इन सभी व्यापक मुद्दों पर अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जोड़ो, और ये जो नोट्स मैं बार बार कह रहा हूं, इस नोट्स को पाने के लिए 499 के प्लान में जुड़ो। भाई 499 रुपए क्या है यार, 150 रुपए नहीं आता, ठीक है। वो उसने मैं बार बार कहता हूं आस्की में फूंक देता हूं, कौन सी आस्की तुम जानो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।